टू माई YouTube चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग हेयर केयर वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ मामा अर्थ के एंटायर ओनियन हेयर रेंज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं ओनियन हेयर रेंज के, ओनियन कंडीशनर, ओनियन शैम्पू, ओनियन हेयर मास्क एंड एवरी सिंगल थिंग। प्लस जो मेरे पास आज का स्टार प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड ओनियन हेयर ऑयल। सो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मामा अर्थ की ये होल जो ओनियन हेयर रेंज है ये कैसी है, कैसे काम करती है, काम करती भी है कि नहीं, और हर वो चीज आप जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और हम देखते हैं एक कम्प्लीटली 100% ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट का, पूरी रेंज का, आपको ट्राई करने चाहिए कि नहीं, और किस तरह के लोग हैं, किनके बालों में क्या इश्यूज है, किसको ये ट्राई करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। इस तरह की वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं इस तरह की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके बगल वाला घंटा एक बार बजा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लेट्स स्टार्ट। सो ये जो है सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास है, दिस इज द मामा अर्थ ओनियन हेयर ऑयल। सो ये जो मामा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल है ये कुछ टाइम पहले मार्केट में लॉन्च हुआ और ये एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है। ओनियन ऑयल्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट है। सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे दिखता है। तो ये प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले आपको बता दूं ये सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मामा अर्थ इज अ पेटा सर्टिफाइड ब्रांड, दे डू नॉट टेस्ट ऑन एनिमल्स, कोई एनिमल क्रूल्टी नहीं है, एंड इट्स फॉर होल ऑल हेयर टाइप्स। ऑल्सो मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, सो जितना प्लास्टिक वो यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकल करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो मैंने इस पैक को खोल लिया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या है। तो अंदर इस तरह से मामा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल है। इसकी क्वांटिटी है 250 ml और इसकी MRP है 600 rupees, 599 टू बी प्रिसाइज। और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक बड़ा ही अमेजिंग टूल। आपको इसके साथ मिलता है एक कोम्ब एप्लीकेटर, ये छोटा सा एप्लीकेटर है जो मैं आपको भी एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगी इसका, और ये भी दिखाऊंगी कि मतलब कैसे आपको इसको यूज करना है। सो बेसिकली ये जो हेयर ऑयल है इट्स टू बूस्ट हेयर ग्रोथ, गिव्स स्ट्रेंथ एंड शाइन, नरिशेस योर स्कैल्प। इसकी जो मेन थ्री इंग्रीडियंट्स है, आपको जैसे पता होगा ओनियन इज रिच इन फॉस्फोरस। तो जिनको भी हेयर फॉल के इश्यूज है, स्पेशली जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, जिनके बालों की टेक्स्चर खराब हो रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि न्यू हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही, उनको ओनियन हेयर ऑयल वाले प्रोडक्ट्स या ओनियन प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए अपने हेयर केयर रूटीन में। उससे उनकी बाल की जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, गिरे हुए बाल फिर से आ जाते हैं, और जो बाल गिर रहे हैं उनका गिरना रुक जाता है। सो बेसिकली इसमें जो एक और नया मतलब एक इंग्रेडिएंट जो एड हुआ है, दैट इज रीडेंसिल, ये ऐसे काम करता है कि आपके जो ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स है उनको अनब्लॉक करता है, और उसके वजह से आपके जो ऑयल है अच्छे से आपके स्कैल्प पे पेनिट्रेट होता है, और आपको न्यू हेयर मतलब प्रोड्यूस करने में, नई ग्रोथ को प्रोड्यूस करने के लिए और हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो एज यू गाइस नो, ओनियन इज वेरी मच रिच इन सल्फर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑल्सो गाइस मेरे बाल कलर्ड है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कलर्ड स्मूदन केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए ये ऑयल यूज करना चाहिए कि नहीं, तो आप कंप्लीटली सेफ है, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाल कलर्ड हो चाहे आपके बाल जैसे भी क्यों ना हो, आप इस बाल को आप इसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके बालों को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा, जो टेक्स्चर ओवरऑल बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा उसको। मुझे इतना ज्यादा प्रोडक्ट पसंद आया क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, कंप्लीटली केमिकल फ्री है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई सिलिकॉन्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी नहीं है। तो इसको ओपन करने के लिए पहले आपने कैप ओपन किया, यहाँ पे एक लिड भी आती है जो मैंने ओपन करके फेंक दी है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ काफी टाइम से और उसके बाद ही इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो बेसिकली जो है आपको इस कैप को इस तरह से फिक्स करना है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह से इसको फिक्स करना है, और अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। भाई सबसे पहले आप अपने बालों को आराम से खोल ले, आराम से ब्रश कर ले, और उसके बाद जो है टू हाफ्स में डिवाइड कर ले। मैं इसी तरह ऑयल लगाना पसंद करती हूँ, टू हाफ्स में डिवाइड कर ले अपने बालों को। उसके बाद आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर आप ये कोम एप्लीकेटर को अटैच करके लगाइए। तो मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत इनोवेटिव लगा। इस तरह से आप गो थ्रू करिए अपने बालों में, जैसे कंघी करते हैं, एंड ऑयल पूरे आपके रूट्स तक चला जाएगा। आपको बस इस तरह से धीरे धीरे अपने बालों में इसको
रन करना है लेयर बाय लेयर, ये आपके बाल में आराम से पेनिट्रेट हो जाएगा। जब ये अच्छे से आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा, स्पेशली यू नो हमेशा जब हम ऑयलिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम आप हाथों में डाल के करते हैं कि मिस हो जाती है, एरियाज मिस हो जाते हैं काफ़ी। इस तरीके से आपके रूट की किसी भी एरिया को मिस नहीं करोगे। एंड जब ऐसे अप्लाई कर लो टॉप पे, तो आप नीचे के लिए अपने हाथों में ऑयल को ले लो इस एप्लीकेटर को हटाकर, और अपने पूरे लेंथ पे भी लगा सकते हो, इस तरह से भी लगा सकते हो, बट मैं इसको एप्लीकेटर को हटा के पूरे लेंथ में अप्लाई करती हूँ। और इस तरह से क्या होता है, मेरा बालों का कोई भी कोना बचता नहीं ऑयलिंग के लिए, तो सारे मतलब हर जगह ऑयलिंग अच्छे से होती है। और अकेला बंदा जो खुद को ऑयल लगाता है अपने हेयर को, उसके लिए तो गाइज इट्स अ सुपर डुपर प्रोडक्ट। और उसके बाद ऐसे हल्की फुल्की चंपी 5 मिनट की, एंड गाइज फिर तो जादू हो जाना है बिल्कुल, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब एप्लीकेशन हो जाए तो आप इसको खोल के, आप अगर आप किसी टेबल पर रखते हो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, जैसे मैं, मुझे लगता है कि कहीं गिर ना जाए तो मैं इसको वापस खोल के ये वाला कैप इसमें वापस लगा देती हूँ। अब मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ और इसके कुछ कुछ की इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल है, होबा ऑयल है, आलमंड ऑयल है, भृंगराज ऑयल एक्सट्रैक्ट है, आमला ऑयल है, गुरनल ऑयल है, ब्रह्मी ऑयल एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल, ओनियन एक्सट्रैक्ट, नेचुरल विटामिन ई, सेसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल जो कि हेयर फॉल रोकने में एक बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, प्लस रिडेंसिल ओनियन सीड ऑयल, IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस। अब गाइस आप सोचो, अगर इसके अंदर हर तरह का वो ऑयल है जो आपके बालों को न्यूट्रिशन देना के लिए जरूरी है, और आपको ये नहीं कि इसमें सिर्फ ओनियन ऑयल है, अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया तो इसमें 10 से भी ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल है, तो हर ऑयल का एक मिक्सचर है और एक ऐसा मिश्रण है ये ऑयल, एक ऐसा ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है। इट्स नॉट दैट कि यू नो ये वाला प्रोडक्ट मुझे मामा ने सेंड किया था ट्राई करने के लिए, बट ये बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने सारे खरीद रखे हैं क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है मामा अर्थ का यू नो दिस होल थिंग। इनफैक्ट लेट मी टेल यू गाइज राइट नाउ कि मैंने मामा अर्थ का ऐसा ओनियन हेयर मास्क, मेरे को मामा अर्थ ने बहुत पहले एक बार सेंड किया था ट्राई करने के लिए, दैट गॉट कम्प्लीटली फिनिश्ड। मैंने अपने कितने हेयर केयर रूटीन में उसको दिखाया है, एंड आई हैव गॉट अनदर वन विच इज कम्प्लीटली न्यू इफ यू गाइज कैन सी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा ये मास्क पसंद आया कि आई जस्ट कांट लिव विदाउट इट। बट इसके बारे में हम अभी थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, फिलहाल पहले हम बात कर रहे हैं ऑयल के बारे में। सो गाइज द ऑयल इज सुपर लाइट, विच आई लाइक अबाउट द ऑयल। मुझे ऐसे ऑयल्स पसंद नहीं है जिनको आप लगा लो फिर आप उसको वॉशरूम में जाओ, आप शावर लेने जाओ, आप उसको रगड़े जा रहे हो, आप उसको रब किए जा रहे हो, बट वो रिमूव नहीं हो रहा आपके बालों से। ये इतना लाइट वेट ऑयल है कि लगाते टाइम सबसे बेस्ट चीज है कि क्योंकि इसमें ये कोम्ब एप्लीकेटर है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको चंपी दे। आप जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया तो आप बस इस तरह से रब करते जाओ और वो आपके बालों में ऑयल पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और फिर आप खुद ही एक चंपी खुद को 5-10 मिनट की दे दो एंड ओवरनाइट छोड़ दो। वीक में 2 बार ये ऑयल अप्लाई करो एंड ट्रस्ट मी यू योर हेयर फॉल विल स्टॉप। मुझे रिसेंटली समर सीजन में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था एंड दैट वाज रियली टेकिंग अ टोल ऑन माय यू नो मेंटल हेल्थ कि मेरे बाल गिर रहे हैं, अब क्या होगा, इतने बाल गिर रहे हैं, कैसे रोकूं, कैसे ठीक होगा। आई वाज सो यू नो confused, I was so disturbed, I was so you know scared कि बाल गिर जाएंगे, and then I just switched to this whole range. Oh my God, trust me, मेरे बाल गिरना literally बंद हो गए हैं। I am not seeing hair fall, like literally 2-4 बाल गिरते हैं दिन में, and that's it. So yeah, I highly recommend you guys to go ahead and try this oil. This is such an amazing oil. फ्रेग्रेंस भी इतनी प्यारी है, कोई आर्टिफिशियल ऐसी हार्मफुल फ्रेग्रेंस नहीं है इस पे। अगर आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा कोड है घोष20, इससे आपको इंस्टेंट 20% वेबसाइट पे जो है mamaearth.in वेबसाइट पे 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नायका, एमेजॉन, पर्पल हर जगह मिलेंगे, बट अगर आप मामा अर्थ वेबसाइट से खरीदते हो तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा 20% ऑफ, घोष20 आप कोड यूज कर सकते हो, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा बट आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस वाज द ऑयल दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोडक्ट विच इज अ शैम्पू। कंडीशनर तो मेरा ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है और शैम्पू भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो दिस इज द मामा अर्थ ओनियन शैम्पू। सो गाइज अगर आप लोग एक ऐसा शैम्पू देख रहे हो जो कंप्लीटली केमिकल फ्री हो, जिसमें कोई, जैसे मैंने बताया आपको इट इज सेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स की सब कुछ सेम है, देर आर नो हार्मफुल केमिकल्स, और ये जो प्रोडक्ट है सबसे अच्छी बात है कि इस तरह की पम्प डिस्पेंसर में आता है। कई बार तो यू नो ये प्रोडक्ट आपको सेल पे भी मिलता है मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट, एंड दिस इज ऑल समथिंग आई हैव बॉट फ्रॉम माय ओन मनी। मामा अर्थ हैजंट सेंट मी दिस, एंड ये ऑयल से पहले से मैं इसको यूज कर रही हूँ, लाइक लिटरली आई एम लविंग इट टू बिट्स। सो यहाँ पे जो है इट्स फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, तो मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड आई स्विच टू द शैम्पू रिसेंटली, लाइक
25 डेज से एंड आई एम लविंग इट टू द बिट्स, क्योंकि इसमें कोई भी यू नो हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें केराटिन भी है ओनियन के साथ, विच आई रियली लव. और ये जो है इट्स सूटेबल फॉर कलर्ड हेयर और जितने भी केमिकली ट्रीटेड हेयर है. एंड इसकी एमआरपी है 349 रुपीज, विच इज वेरी अफोर्डेबल एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड. 250 ml पैकेजिंग है और 349 ml इसकी यू नो 349 रुपीज इसकी एमआरपी है. 20% ऑफ भी मिल जाएगा अगर मामाअर्थ की वेबसाइट से लोगे तो. एंड दिस इज सच अ नाइस शैम्पू, आई लव इट, ट्रस्ट मी गाइज, आई लव इट. इट्स नॉट दैट इट इज स्पॉन्सर्ड, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज नॉट a sponsorship that I'm talking about the shampoo and conditioner. This is such a good product, must try if you're having hair fall. Aur agar aap chahte ho ki aapko regain ho aapke baal, to you should definitely try the whole range. I have done so many Mamaearth videos and I absolutely freakingly love every single product. People who have used it, jisne use kara hai, they would know that this is such an amazing product. The conditioner is so good, I love using it. To jab main apne hair ko se wash kar leti hu, I take the conditioner on my hand. It's white, it's creamy aur main pure lengths pe apply kar leti hu aur main chhod deti hu 2-4 minute ke liye and uske baad main wash off kar deti hu. So main hafte mein 3 baar shampoo karti hu, to 2 baar main conditioner use karti hu. Aur ye conditioner bhi, as I told you, it's for hair fall control. It's very good conditioner, very good. हर प्रॉपर्टी तो एक ही है, इट्स जस्ट दैट दिस इज द कंडीशनर एंड इट्स वेरी वेरी सूटनिंग. ऐसा नहीं है कि इसे वॉश करने के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता. और मैंने अपने बालों पे हर महीने में कलर करती हूँ. आई हैव डन केमिकल स्मूथनिंग 6 times. कैन यू इमेजिन 6 times? एंड इफ आई एम सेइंग कि इसको यूज करके मेरे बाल हेल्दी रहे, तो आई मीन इट टू द बिट्स. सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, मेरा और एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट आफ्टर द ऑयल, द सेकेंड फेवरेट प्रोडक्ट मुझे शैम्पू कंडीशनर से भी ज्यादा ये पसंद है. दिस इज अ मामाअर्थ ओनियन हेयर मास्क. मैंने ये अपने हेयर केयर वीडियो में भी दिखाया था और कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि प्रियंका हमें ये इतना ज्यादा पसंद है, ये हेयर मास्क सच में इतना अच्छा काम करता है, इसकी बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है. बेस्ट पार्ट है कि इसको आपको शैम्पू करके नहीं लगाना. मैं इसको ऐसे लगाती हूँ कि जो मुझे शैम्पू करना होता है उससे पहले मैं इसको अपने पूरे स्कैल्प पे, अपनी पूरी लेंथ पे आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स है ही नहीं जो आपकी स्कैल्प को डैमेज करे. तो मैं पूरे स्कैल्प पे अपनी हेयर लेंथ पे लगाकर इसको 20-25 मिनट छोड़ देती हूँ और फिर शैम्पू कर लेती हूँ और उसके बाद कंडीशनर भी नहीं लगाती. बट मेरे बाल इतने ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड नाइस हो जाते हैं. आई कांट टेल यू गाइज मैन, मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स के हेयर यू नो स्पा प्रोडक्ट्स एंड दिस हेयर मास्क है, लेकिन दिस हैज टू बी हैंड्स डाउन माई फेवरेट प्रोडक्ट एंड दिस इज कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड. दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट, सच अ नाइस हेयर मास्क. आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग द आर्गन हेयर मास्क एज वेल. पहले इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ. लाइक आई डोंट नो, हाँ मेरा खाली वाला डिब्बा, यहाँ है. आई वॉज लाइक कि मेरा खाली वाला डिब्बा कहाँ गया. लोग सोचेंगे कि प्रियंका नया वाला प्रोडक्ट दिखा के बोल रही है कि ये खाली है. नहीं, मैंने खाली कर दिया. देखो ये खाली वाला डिब्बा है and I've used it completely and ये मेरा नया वाला डब्बा है and I've started using it. I am loving it. So yes guys, that was a short clips review. अगर आप चाहते हो, आपको hair fall हो रहा है, आपको नए बाल ग्रो करने, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने जो सच में काम करे. मार्केट में 10,000 चीजें अवेलेबल है, 10,000 अलग अलग चीजें हैं, बट ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. आप ये चीजें खरीदो, कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. ये मास्क का प्राइस है 599 रुपीज और आराम से 3 महीने चलेगा. अगर सिंगल बंदा भी यूज करे ना, 3 से 4 महीने आराम से ये चलता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो बिल्ड अ हेयर केयर रूटीन जहां पे आपके बाल ट्रीटेड है, कलर्ड है, डैमेज्ड है और आप हेयर फॉल स्टॉप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो हेयर गेन भी हो, अगर आपको हेयर फॉल नहीं भी हो रहा है ना, तभी भी आप ऑयल यूज कर सकते हो और ये सारी चीजें यूज कर सकते हो. तो ये आपको न्यू हेयर को गेन करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ओनियन का काम ही होता है, इट्स रिच इन फास्फोरस. हमेशा बोलते हैं ना कि ओनियन, बालों में ओनियन का रस लगा लो तो हेयर फॉल बंद हो जाता है, नए बाल आते हैं. दैट्स कंप्लीटली ट्रू. तो ये एक ऐसा रेंज है जिसमें ओनियन की जो बदबू होती है ना, जो आप ओनियन क्रश करके लगाओ तो 4-5 दिन तक आपके बालों से ओनियन की बदबू आती है, बट इसमें कोई ओनियन की हाँ मतलब ओडर नहीं है, कोई वैसी वाली स्मेल नहीं है. सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो हेड एंड ट्राई दिस होल रेंज. दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट, लाइक एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज सो गुड. आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ मामाअर्थ राइट नाउ एंड आई वुड से दैट गो हेड एंड ट्राई इट राइट अवे. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी. टिल देन टेक केयर, बाय.